प्रत्याशी, सर आपके क्या विकास के मुद्दे उस बारे में? मेरे विकास के मुद्दे हैं, किसानों की बहुत सारी समस्या है, नकली खाद दवा बीज पे कोई रोक नहीं है, और विपक्ष यहाँ विपक्ष की भूमिका में नहीं है। मेन चीज़ जो है दोनों एक ही पार्टी हो जाती है, और बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र की, किसान की, कर्मचारी की, ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। मैं शिक्षकीय कार्य करते हुए देख रहा था कि अतिथि शिक्षक दिसंबर में रख रहे, पूरा शिक्षा विभाग तहस-नहस कर रहा है, और ऐसी समस्या है कि एक भी विभाग ढंग से नहीं चला पा रहा है। कोई 1,000 किताबें कौन बच्चा छोटा पहली का पढ़ता है, छापते जा रहे हैं किताबें। कोई भी विभाग ले लो, एग्रीकल्चर ले लो या स्वास्थ्य विभाग ले लो, स्वास्थ्य विभाग में हमारे सौसर में अभी तक सोनोग्राफी मशीन नहीं है। कई डिलीवरी वाली लेडीज हर दिन रिफर किया जाता है। बहुत सी समस्याओं से मैं परिचित हूँ यहाँ। किसान को धान का समर्पित मूल्य नहीं मिल रहा, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा, कई तरह की समस्या है, इसका कैसा निराकरण करूँगा मैं? इसका निराकरण, हमारे यहाँ क्षेत्र में धान तो होता नहीं है, ज्वार होती है। मैं खुद ज्वार एक एकड़ में 40 क्विंटल ज्वार किया मैंने, तो मैं हमारे क्षेत्र में जो ज्वार होंगी उसको मैं गवर्नमेंट रेट उसका 3200 रुपये है वो खरीदने लगाऊंगा, और सभी किसानों को प्रेरित करूंगा। कार्यशाला लगाई जाएगी यहाँ, किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पानन रास्ते की समस्या है, हाँ ये पानन रास्ते, और मेन चीज जो किसानों के लिए माल रखने के लिए नहीं है, तो छोटी सी कोई खेत में ये क्या माल नहीं रख पाते, इसलिए बेच डालते हैं। मैं ये क्षेत्र का प्याज उत्पादक भी हूँ, और मेरे पास, मैंने व्यवस्था की है, मैं लायक था इसलिए की, लेकिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती, वो बेच डालते हैं, और बेचने के बाद क्या भाव बढ़ जाता है। इसलिए मेरी ये सोच है कि मैं किसानों के लिए ये गुमटी टाइप या कोई प्लास्टिक वैक्स, ये हर खेत में एक व्यवस्था की जाए, उनको क्या है कपास में मुनाफा नहीं हो रहा है तो उनको प्याज के उत्पादन के लिए प्रेरित करूँगा, और ज्वार के लिए प्रेरित करूँगा। क्षेत्र की समस्याओं से उनका निराकरण करने का प्रयास हो। एक तरफ देखा जा रहा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों लोग लुभावने वादे दे रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, तो आप बताइए ऐसे में आप जो यहाँ के जो मतदाता है आपके सौसर क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के, तो आप उनको क्या वादा करोगे, क्या आश्वासन दोगे? मैं यही वादा करूँगा कि मैं देखो ये क्या है कि ये 1,000 दे रहे तो वो 1,500 दे रहे, मैं वही सोच बताने जा रहा हूँ कि आप लालच में मत आइए। इन्होंने वादे करते हैं चुनाव के टाइम, और फिर मुकर जाते हैं जिससे सरकार भी गिर जाती है और नुकसान हमारा हो रहा है। क्षेत्र में वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं होते तो सरकारें तक गिरा देते हैं, तो ये मुद्दे मिल जाते हैं, तो इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आप जनता से क्या अपील करोगे? मेरा चुनाव चिन्ह है ग्लास, और मैं ग्लास, मेरा चुनाव चिन्ह कांच का ग्लास है, और मैं यही अपील करूंगा कि मुझे बहुमतों से चुनाव जीत कर लाइए। मैं क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने में सक्षम हूं, क्योंकि मैं इन दोनों प्रत्याशी से काफ़ी ज्ञान रखता हूं। ये अयोग्यता के कारण हमारे क्षेत्र का बहुत नुकसान हुआ है। छिंदवाड़ा जिले में जो ये जो जिला है ये पांडुर्णा बना दिया है, जबकि सौसर इतना अच्छा, सबसे पहली पुरानी तहसील है, और ये उड़ान पुल बना दिया, तहसील में ला के खड़ा कर दिया। बहुत सी समस्या ऐसी, सौसर को हमारे तहस नहस करने में लगे हैं। ये काय का कारण है, तो ये अयोग्यता का कारण है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सौसर को सुंदर बनाने के लिए आप हमें चुनाव